वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। इंडिया की जो जीडीपी है ये अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। ये बात अब ऑफिशियल कर दी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया जीडीपी रीच 3.75 ट्रिलियन डॉलर मार्क इन 2023, सेज फाइनेंस मिनिस्ट्री। नाउ ये स्टेटमेंट देना इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट आज के समय देश को ये बता रही है कि 2014 में देश की जो इकोनॉमी नॉमिनल टर्म्स में थी ये 2 ट्रिलियन डॉलर थी। अब 9 साल बाद ये 3.75 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और दुनिया के बाकी कंट्रीज से कंपेयर किया गया है कि इंडिया कितना आगे आ चुका है। नाउ इसके अलावा आप अगर देखो तो ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली 2023 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की कितनी ग्रोथ रेट रही थी। हमारी ग्रोथ रेट थी 7.2% और उस वक्त आपको याद होगा बहुत से आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए थे जहां पर ये लिखा था कि इंडिया की इकोनॉमी अब 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। कई लोगों को क्वेश्चन हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बस यहीं पर पहुंचे हैं, 3.75 ट्रिलियन डॉलर कहां पर है। इंडिया के जो आर्टिकल्स थे वहां पर 3.3 ट्रिलियन डॉलर दिख रहा था, मगर IMF ऑलरेडी अपने एस्टिमेट्स अपडेट करके बैठ गया था। IMF के हिसाब से इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 3.73 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई थी। इन्होंने ये बात अपडेट कर दी थी वेरियस एनसाइक्लोपीडियाज में, यहां पर आपको इसका डेटा दिख जाएगा। लेकिन अब इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात क्लियर कर दी है कि प्रॉपर डेटा आप अगर देखोगे तो उसके हिसाब से हम 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। अब ये देखो नंबर्स इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के भविष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे कि इस डेटा का इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन जॉब्स चाहिए, ऐसी जॉब जिससे आदमी धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर पाए, फैमिली सपोर्ट कर पाए, ऐसी जॉब्स कब आएगी। अभी RBI ने ये कहा है कि 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है इसमें पूरे साल में हम मोस्ट प्रोबेबली ग्रो कर पाएंगे 6.5% के आसपास। ये RBI की प्रोजेक्शन है, मतलब कि थोड़ा सा और आप इस नंबर में इंक्रीज देखोगे जर्मनी के और ज्यादा करीब आ जाएंगे, या फिर जर्मनी थोड़ा सा और गिर गया तो जर्मनी को हम ओवरटेक भी कर देंगे। मगर प्रॉब्लम नौकरियों की ये रहने वाली है कि सिंस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बड़ी है और आप अगर इंडिया की ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों में देखो तो एवरेज हमने 6-7% के आसपास ग्रोथ किया है। ये हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी नहीं है। अगर देश को बहुत अच्छी क्वालिटीज की जॉब्स चाहिए, अगर हम इंडिया की जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो कई इकोनॉमिस्ट ने ये एस्टिमेट दिया है कि इंडिया को 18% की ग्रोथ रेट दिखानी होगी। 18% तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चाइना ने भी इतनी ग्रोथ रेट नहीं दिखाई थी अपने पीक पर, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ रेट एटलीस्ट 10% के आसपास हमको ग्रो करना ही होगा। ये बात नीति आयोग के पूर्व CEO थे अमिताभ कांत साहब, जो आजकल G20 का काम संभाल रहे हैं, ये भी कह चुके हैं कि अगर 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो डबल डिजिट की जो ग्रोथ है ये एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डेब्ट की। यहाँ पर डेब्ट का क्या इश्यू है। इंडिया का जो टोटल डेब्ट है, जो गवर्नमेंट का कोर डेब्ट है, ये 155 लाख करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। अब इसके कंपैरिजन में हमारी नॉमिनल जीडीपी 2020-23 के हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि 272 लाख करोड़ के आसपास है, इतने की जीडीपी हो गई और 155 लाख करोड़ रुपीस का डेब्ट है। अब हमें फोकस ये करना है कि दोनों नंबर्स के बीच में ना डिफरेंस बढ़ता रहे, हमारा जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है। आप अगर पिछले साल का डेटा देखो, अगर आप 234 लाख के हिसाब से देखो तो इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये आपका 84-85% के आसपास मिल जाएगा। तो लगातार इकोनॉमी को ग्रो करना होगा ताकि हमारा डेब्ट छोटा लगे, डेब्ट छोटा होना चाहिए। लेकिन बिना डेब्ट के कोई देश नहीं चलता, आपको डेब्ट चाहिए होता है आगे ग्रो करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टर्स को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अगर इन्वेस्टर्स को दिखाना है कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करो, हम ग्रो देंगे आपको, हमारे लिए जॉब्स बनाओ, तो लगातार जब ये 272 लाख करोड़ ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे और ये डेब्ट 155 लाख करोड़ ये नंबर स्टेबल रहेगा ना, तो इन्वेस्टर्स को इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी डेब्ट है उसकी टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट की पेमेंट करना, डेब्ट को चुकाना, ये सब इंडिया टाइम टू टाइम कर सकता है। इंडिया में इन्वेस्ट करके आपका पैसा सेफ रहेगा। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर से इंडिया का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा, इससे इंडिया में इन्वेस्टर्स और आएंगे। और अभी 3-4 साल के लिए इंडिया का ये फोकस होना चाहिए डेब्ट जरा भी ना बढ़े, जीडीपी बढ़ती रहे। फिर एक टाइम पे जब हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो जाएगी, जब हमको और ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट पर डेब्ट मिल रहा होगा, तब हम और लोन उठा सकते हैं ताकि देश में एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस पे और जगह पे हम खर्च कर पाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये इतना बड़ा इश्यू है कि दुनिया इस पर अटेंशन करे, तो देखिए दुनिया इस पर अटेंशन कर रही है। मूडीज के बारे में आपको पता होगा, ये है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये कंपनी या एक कंट्री को कितना उधार मिलना चाहिए इसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये बता देता है। मूडीज ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में ये दिखाया है कि इंडिया
इंडिया का जो सरकारी डेब्ट है ये थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो मूडीज की ये चिंता अगर आपको दूर रखनी है, इन्वेस्टर्स को और ज्यादा कॉन्फिडेंस देना है, उसका सबसे आसान तरीका है इकोनॉमी लगातार ग्रो करते रहना। अब कई लोगों को सवाल होगा कि इंडिया ग्रो कैसे करेगा, तो इसके लिए इम्पोर्ट्स कम करना होगा और एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाना होगा। लेकिन एक्सपोर्ट्स इतने जल्दी तो बढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए अब हमें क्रूड ऑयल और सस्ते दाम पर चाहिए होगा। क्रूड ऑयल अभी भी करीब $68 पर बैरल आसपास है। रशिया इससे भी थोड़ा कम प्राइस पर क्रूड ऑयल इंडिया को दे देता है, तो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा गिरे, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर $68 रहेंगे तो हमारा पैसा क्रूड ऑयल परचेस करने में ही लग जाएगा। वही पैसा अगर इंडिया में इन्वेस्ट करे, अपने जो बिजनेसेस है इनको टैक्स में छूट दे, इनको और बढ़िया सड़कें दे, इन्हें एक स्किल वर्कफोर्स प्रोवाइड करे, तो इससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बढ़ सकती है। तो इंडिया के सामने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, लेकिन इंडिया इस सबका सामना कर सकता है पॉजिटिव तरीके से। तो इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट 7% से भी ऊपर जाए ऐसी कोशिश करेगा, और 2-3 साल में इंडिया डबल डिजिट ग्रोथ में भी पहुंच जाए ऐसी कोशिश करेगा। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।